हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल जे के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे बोस क्लास अलेवेंथ सोशोलॉजी न्यू मॉडल टेस्ट पेपर ये जे बोस ने नया मॉडल टेस्ट पेपर डिज़ाइन किया है और जो आपका बोर्ड का सोशोलॉजी का क्वेश्चन पेपर होगा वो इसी मॉडल टेस्ट पेपर के डिज़ाइन और पैटर्न पर आएगा इसलिए आप ये वीडियो अच्छे से एंड तक देखना और एक बात ये जो मॉडल पेपर हैं ये जो पैटर्न है ये अब चेंज नहीं होगा इस डिस्कशन से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस चैनल पर आल क्लासेस के लिए क्वेश्चन पेपर्स गेस पेपर्स और मॉडल पेपर्स लाते रहते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए मैंने उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है या तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं पहले अगर हम देखें सोशोलॉजी में टोटल हंड्रेड मार्क्स होते हैं जिसमें से ट्वेंटी मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क्स में स्कूल वाले लेते हैं तो टोटल जो एटी मार्क्स बचते हैं वो आपके थ्योरी में बोर्ड थ्योरी का बोर्ड का पेपर आता है तो एटी मार्क्स जो है आपका सोशलोजी का पेपर होगा और उसमें टोटल टाइम तीन घंटे होंगे पहले इन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो पेपर का पैटर्न बताता है ये पेपर का पैटर्न और मार्कस डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बताया है तो पहले अगर हम देखें सेक्शन पहला सेक्शन जो है सेक्शन ए इसमें दस वेरी शॉर्ट वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जिनमें एम सी क्यूज़ द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस मिलकर आएंगे और ईच क्वेश्चन में एक मार्क्स होगा तो टोटल टेन मार्क्स आएंगे सेक्शन ए से और सेक्शन बी से टोटल टेन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और ईच क्वेश्चन में दो मार्क्स होंगे और आपको इनमें थर्टी वर्ड्स के आंसर लिखने होंगे और सेक्शन बी से टोटल ट्वेंटी मार्क्स आएंगे सेक्शन सी से टोटल एट क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन में चार मार्क्स होंगे और आपको एट्टी वर्ड्स के आंसर इनमें लिखने होंगे और तो टोटल सेक्शन सी से थर्टी टू मार्क्स होंगे और जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी फोर्थ सेक्शन इसमें तीन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन में छः मार्क्स होंगे और आपको टू हंड्रेड वर्ड्स के आंसर्स इनमें लिखने होंगे तो टोटली एटीन मार्क्स बनते हैं सेक्शन डी के पहले हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए है इसमें पहला पार्ट है द ई स्टेट सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन जो ई स्टेट सिस्टम है वो कहाँ पर प्रिवेल हुआ तो वो हुआ प्रिवेल फ्रांस में बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर सेकेंड पार्ट इज सेड रोल इज़ द डायनेमिक फंक्शन ऑफ स्टेटस किसने कहा कि जो रोल है वो एक डायनेमिक फंक्शन है एक स्टेटस का तो इसका सही आंसर है राल्फ लिंटन सैड द रोल इज़ द डायनेमिक फंक्शन ऑफ स्टेटस डी पार्ट राल्फ लिंटन थर्ड पार्ट हु कंसिडर्ड रिलीजन एज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी तो कौन कंसिडर करता था रिलीजन को प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी इमायल डरखेम जो है इसी ने डर खेम इसी ने कहा कि इसी वही कंसिडर कर रहा था रिलीजन को प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी फिर फोर्थ पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल थियोरिस्ट कंसिडर सोशलाइजेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ तो इसका सही आंसर है सी एच कूली सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर अब है क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव फिफ्थ पार्ट मोनोथिजम रेफर्स टू मोनोथ मोनोथिज़म रेफर्स टू सिंगल गॉड डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर मोनोथिजम रेफर्स टो सिंगल गॉड इट इज़ करेक्ट मोनोथिजम इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स नॉर्मेविट नॉर्मेटिविज्म मीन्टिविज़म है इसका मतलब है रोल ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च रूल आफ वेल्यूज़ इन सोशल रिसर्च वैल्यू रेशनलिटी तो ऑफ़ द अबो इज़ द करेक्ट आंसर अब हैं सेक्शन अब हैं सेवन पार्ट सेवनथ पार्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्वाल्वस डिवीजन ऑफ़ सोसाइटी इन परमनेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ तो जो इस जो ये क्वेश्चन है इसका सही आंसर है द रिलेशनशिप ऑफ सुपेरियोरिटी एंड सब ऑर्डिनेशन बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर द रिले ऑफ सुपेरियोरिटी एंड सब ऑर्डिनेशन नाव इट्स इट्स एट्थ पार्ट एट्थ पार्ट इज कास्ट एंड रेस इन इंडिया हेज़ बीन रिटर्न बाई जो कि कास्ट एंड रेस हैं इंडिया में वो बुक किसने लिखी थी तो वो लिखी थी बुक तो ये बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया लिखी थी जी एस गुरिये ने डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर नाउ इट्स नाइन्थ पार्ट नाइन्थ क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ इनकोरेक्ट इनमें से इनकोक्ट देखना है कभी हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है इसीलिए यहां यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ इनकोट अबाउट एन डी आर एफ नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फोर्स जो है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है ये गलत है इनके मुताबिक तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो ये रॉन्ग पा, यही पार्ट इसका सही आंसर है इट इज़ इन करेक्ट अबाउट एन डी आर एफ इट्स टेंथ पार्ट हुमोजिनिटी एंड सिंपल वे ऑफ लिविंग इज़ फाउंड इन तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोगे नाउ इट सेक्शन बी सेक्शन बी इज़ डि क्वेश्चन नंबर अलेवन डिफाइन सोशोलॉजी सोशोलॉजी क्या है ये आपको डिफ़ाइन करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व गिव एन एग्जांपल ऑफ रेफरेंस ग्रुप इसकी एक एग्जांपल देनी है जैसे फैमिली होते हैं फ्रेंड्स हैं ये एग्जांपल्स हैं इसके सिब्लिंग्स टीचर्स ये रेफरेंस ग्रुप के एग्जांपल हैं नाउ इज़ इट इज़ क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेम फ्यू एजेंसीज़ ऑफ सोशलाइजेशन कुछ सोशलाइजेशन एजेंसीज़ जो हैं उनके नाम बताने हैं क्वेश्चन नंबर फोटी व्हाट इज़ सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन का मीनिंग बताने हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन डिफरेंट मुख्तफ कस्म के ऑब्ज़रवेशन बताने हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इन्यूमरेट फीचर्स ऑफ संस्कृताइजेशन फ्यूचर बताने हैं संस्कृताइजेशन के क्वेश्चन नंबर सेवनटीन डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं इस yes. क्वेश्चन नंबर एटीन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर इफेक्ट क्या है डिवीज़न ऑफ लेबर का क्वेश्चन नंबर नाइनटीन डिफाइन सोशल स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स नेचुरल डिज़ास्टर्स के कुछ एग्जांपल्स देने हैं जैसे कि अर्थ को है, बाकी चीज़ हैं अर्थ को ड्रफ्ट ये नेचुरल ने डिज़ास्टर्स है। आफ है, आफ हैं आफतें कुदरती आफतें जिनको हम कहते हैं सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन डिफरेंशियट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप्स इनके बीच में डिफरेंस बताना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल ओपियम ऑफ पीपल क्रिटिकली एनालाइज़ दिस स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ मार्जियन थाट तो ये कह रहे हैं कि जो कि रिलीजन है ये एक ओपियम है पीपल के लिए ओपियन पीपल के लिए तो क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है ये स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वट आर द वेरियस ऑफ कल्चर ऑफ ऑफ कल्चर जो है वो आपको बताने हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एक्सप्लन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च आपको इम्पॉटेंस बताने हैं सोशल रिसर्च के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वट आर डिस्टिंगटिव फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू जी एस गोरिये आपको फ्यूचर्स बताने हैं डिस्टिंगटिव फ्यूचर्स कास्ट सिस्टम के जो अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग जी एस ने जो दिए हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स डिस्क्राइब कॉन्फ्लिक्ट आपको डिस्क्राइब करना है एज अ सोशल प्रोसेस इन मार्जियन थॉट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इवॉलवेट चेंज एंड कंटिन्यूटी इन रूरल इंडिया आपको बताना है चेंज और कंटिन्यूटी रूरल इंडिया में जो हो रही है तो वो आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वाट इज़ किनशिप टर्मिनोलॉजी किनशिप जो कि किनशिप टर्मिनोलॉजी है वो आपको बतानी है ये क्या है सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन डिफाइन फैमिली फैमिली क्या है एक्सप्लेन एक्सप्लेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनस एक तो इसके स्ट्रक्चर आपको बताना है और फंक्शन बताने हैं इसके और में है क्वेश्चन व्हाट इज़ एन इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन क्या है और उनके कुछ एग्जांपल्स इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चन नंबर थर्टी एक्सप्लेन लॉ ऑफ थ्री स्टेज एज गिवन बाई अगस्टे कॉमेंट तो आपको लॉ ऑफ थ्री स्टेज बताने हैं जो अगस्टे कामेंट ने दिए हैं इसके आर में है क्वेश्चन कैपिटलिज्म एमरजड इन द वेस्ट ड्यू टू रिलीजन जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ वेबरियॉन थाट आपको जो कैपिटलिज्म है इसने एमर्ज किया कैपिटलिज्म एमरज जो कि um, कैपिटलिज्म है वो एमर्ज किस तरह से हुआ वेस्ट में रिलीजन के वजह से तो आपको ये जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट बाय यूजिंग वेबरियन थॉट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच लेड टू एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी एज ए रिपोर्ट डिसिप्लिन इसके आर में है क्वेश्चन क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड फंक्शनल परस्पेक्टिव इनके बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है डिफरेंस बतानी है कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनल परस्पेक्टिव क्या है और इसमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं थैंक्स